हम सब के मध्य जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हमारे भारत के मान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से महाराज जी का स्वागत करेंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर भाई जी भी हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण कौशिक जी, हमारे सांसद अजय पंता जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा दीदी जी, अनेक हमारे गणमान्य अतिथि हमारे मंच पर उपस्थित हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं आदरणीय भानु से अनुरोध करूंगा कि आदरणीय योगी जी का स्वागत करेंगे। सभी कार्यकर्ता बंधु आदरणीय योगी जी का माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी अनुरोध है कि बुक में भेंट कर आदरणीय योगी जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे निवर्तमान विधायक कैलाश राम जैसा से मेरा अनुरोध है कि आप उस बुक को भेंट कर आदरणीय योगी जी का स्वागत करेंगे। हमारे जिले के अध्यक्ष दीपचंद पाठक से अनुरोध है कि आप पुस्तक कुछ भेंट कर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। नरेंद्र जी से अनुरोध है कि आप भी पुष्प गुच्छ भेंट कर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। विधायक जी, श्याम भाई, आदरणीय विधायक जी, मेरा अनुरोध है आदरणीय जिला अध्यक्ष जी से कि आप पुष्प गुच्छ भेंट कर आदरणीय सांसद जी का स्वागत करेंगे। करूंगा हमारे जिलाध्यक्ष भाई कृष्ण पागे जी से कि मंच पर आए और सभी अगर अभिनेता और आम जनता का स्वागत करें। आदरणीय पागे जी, बोलो पूर्णागिरी मैया की, भारत माता की, आदरणीय योगी ने योगी आदित्यनाथ की जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी 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 जिंदाबाद, योगी धामी जिंदाबाद। हवा बहुत तुम्हारी आप लोगों की, भारत माता की स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आज बड़े हर्ष का विषय है, मां पूर्णागिरी की चरण स्थली जो एक सुंदर मैदानी क्षेत्र टनकपुर बंडोसा क्षेत्र यहां पर रचा बसा है, बाबा गोरखनाथ की धरती यह चंपा जनपद रचा बसा है। मैं इस पुण्य धरती पर हमारे उत्तराखंड के लाल आदित्य योगीनाथ जी का स्वागत और अभिनंदन इस जनकपुर में करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि संघ कार्यकर्ताओं का आग्रह था कि हम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को प्रणाम करना चाहते हैं, तो मैंने कहा मैं आप सबकी ओर से उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करूंगा और आपका सबका प्रणाम इसको मान लेंगे। साथ में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे बड़े भाई
जो मां पूर्णागिरी की कर्म स्थली पर ठेले कूदे बड़े हुए एक सैनिक के पुत्र और जिन्होंने 6 महीने के अंदर एक ऐसा कार्य किया जिसके लिए हमें एक ऐतिहासिक जीत सुनामा दिलाई ऐसे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पर उपस्थित है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। हम गौरवान्वित है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया और हमारे विधायक कैलाश चतुर्वेदी जी ने उनके लिए अपना स्थान रिक्त किया और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया। मैं आपका स्वागत और अभिनंदन बड़े भाई पुष्कर सिंह धामी जी का यहाँ पर करता हूँ। साथ में हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष जितने नेतृत्व में पुनः सरकार बनने का कार्य हुआ ऐसे आदरणीय मदन मौर्य जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूँ। और साथ में हमारे इस चुनाव की दृष्टि से हमारे पायलट के रूप में जो हमारी रेखा दीदी रेखा वर्मा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लोकसभा की सांसद उत्तराखंड की सह प्रदेश प्रभारी दीदी का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ वंदन करता हूँ। साथ में हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय अजय पंता जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ एवं समस्त मंचा सीमा दर्शक का मेरा प्रणाम है स्वागत और अभिनंदन है। और जो हमारी मातृशक्ति युवा शक्ति और यहाँ पर समस्त सर्व समाज के लोग यहाँ पर जो उपस्थित है मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। आप लोगों का इस रैली को सफल बनाने के लिए इस महासभा को सफल बनाने के लिए जो आप लोग पिछले 3 दिनों से इंतजार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को सुनने के लिए कर रहे थे मैं आपका सबका यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और एक छोटी सी अपील आप लोगों से करता हूँ अपनी बात को पूरा करूंगा। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे बड़े भाई आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी किसी यहाँ के बेटे यहाँ के भाई यहाँ की बहनों का भाई सबकी रक्षा करने वाले सबका साथ देने वाले ऐसे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का 31 तारीख को चुनाव हो रहा है जो मुख्यमंत्री चुने जा चुके हैं और विधायक चुनने का काम आप लोगों ने करना है। 31 तारीख को दूसरे नंबर का वतन कमल के फूल का आगे का वतन पुष्कर सिंह धामी जी का चुनाव चिन्ह कमल के फूल का आप लोग वोट करेंगे। इतनी बात करते हैं मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। जय हिंद जय उत्तराखंड जय भारत भारत माता की। धन्यवाद धन्यवाद अध्यक्ष जी। मंच पर मैं आनंद करता हूँ हमारे निवर्तमान विधायक श्रीमान कैलाश चंद्र गठौली जी को जो मंच पर आए और हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे आदरणीय कैलाश जी। एक बार जय घोषणा करेंगे आदरणीय विधायक जी के लिए। कैलाश गठौली जिंदाबाद कैलाश गठौली जिंदाबाद। आदरणीय विधायक जी भारत माता की। आवाज नहीं आ रही गर्मियों की इतनी हुई लेकिन आवाज तो आ रही थी ऐसा सौभाग्य कभी मिला है। ये जो आज दृश्य है मेरे ख्याल से कनकपुर का पहली बार सौभाग्य है कि इतनी संख्या में आप लोग हमारा सौभाग्य देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक बार फिर से जोर से नारा लगाएंगे भारत माता की। बहुत बढ़िया वस्तु में इंडस्ट्री कल्याण मार्ग के प्रति सनातन घर मारक भारतीय संस्कृति के रक्षक असत्य से सत्य अन्याय से न्याय आधारों से धर्म की स्थापना करने वाले यदि लोग हमारे मार्गदर्शक जिनको देख करके आज हिंदुस्तान गौरवान्वित है हमारा सौभाग्य है मित्रों। आज ऐसा मंजर और ऐसा खुशी का आलम पहली बार मैंने अपने जीवन में टनकपुर में देखा है। और क्यों ही हो एक ऐसे व्यक्ति का हमारे शहर में आगमन हुआ है जो भूतपूर्व भविष्य के हमने सोचा भी नहीं था। हम एक बार जोर से नारा लगाएंगे माननीय योगी आदित्यनाथ जी योगी आदित्यनाथ जी। ऐसे उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हम सौभाग्यशाली हैं आपकी उपस्थिति को पाकर के। और हम सौभाग्यशाली हैं आप जैसे लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने और देश के नेतृत्व में जो अवतारी पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत वर्ष में आए हैं इस कलयुग का अवतारी पुरुष एक छोटे से व्यक्ति के आग्रह को स्वीकार किया है। मेरे मित्रों छोटी सी विधानसभा है इसमें आप लोगों ने हमारा
एकत्र किया है, हम सौभाग्यशाली हैं। इस आज हम सौभाग्यशाली है, दूसरी बार आपने मुझे विधायक बनाया। मैंने बार बार कहा है जिस तरीके से आपने मुझको जताया था, पहली बार 17,000 वोट जिता करके, दूसरी बार भी सरकारी स्थितियों में चुनाव जिता करके, मैं सोचता था कि जीवन में आपका कर्म कैसे कायम है। मैं आज बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे देश के नेतृत्व में आज जैसी विभूतियों ने मेरा आज स्वीकार किया। माननीय धामी जी, जिनको किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं, एक अवतारी व्यक्ति ने उत्तराखंड के लिए भेजा हुआ है, उत्तराखंड का हमारे दर्शन करने के लिए भेजा हुआ है, हमें उनका आतिथ्य मिला है। हम सौभाग्यशाली हैं, हमने उनका कार्यकाल देखा है, 6 माह के कार्यकाल हमने जो किया है, जैसा विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन पर किया था, उसके अवज में आपने देखा आज से 8-9 साल उत्तराखंड में क्या स्थिति थी। लगातार रात देख करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने 47 सीटों को लाने का हम लोगों को सौभाग्य दिया। मैं जानता हूं प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी हमारे लोग इस विधानसभा चुनाव में खड़े थे, सबके लिए लगातार आपने प्रयत्न किया, लगातार हम विधानसभा में दोनों तीन तीन बार गए। लेकिन गृह क्षेत्र में क्योंकि आज भी अगर जहां पैदा होता है, जहां पत्ता बढ़ता है, वहां के लोगों पर विश्वास करता है कि यहां से तो चिंता ही नहीं, बहुत सारा काम मैंने किया। हमने वैसे जी चाहूंगा कि हमने क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया, और हमने जिता दिया, अपना पीछे रह गए। मेरा सौभाग्य है, मेरा आतिथ्य स्वीकार किया, और मेरे क्षेत्र के लोगों का सौभाग्य है। कभी जीवन में हमको मुख्यमंत्री का कभी सानिध्य नहीं मिलता, आज हम सौभाग्यशाली हैं। ऐसी ऐसी मूर्तियों के लगातार प्रश्न यहाँ हो रहे हैं, आने वाले समय में चमत्कारी परिवर्तन होने वाला है। आज सारे लोग विधायक लोगों को सीधे सीधे मुख्यमंत्री को वोट डालने वाले हैं, नहीं तो मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक लोग करते हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और भरोसा रखता हूँ कि इतिहास राज्य 3 तारीख को विधेयक को खुले तो इस प्रजातंत्र में एक ऐसा इतिहास बन जाए कि न आज तक हुआ है न कोई कार्यक्रम हुआ। अभी हमारे बहुत सारे जिनको ढूंढने के लिए आप कहाँ कहाँ से आकर के इकट्ठे हुए की धूप है, उन लोगों का वकील जो होना है उनको ढूंढना है हम लोगों ने। इसीलिए सबसे निवेदन करता हूँ कि 31 तारीख को धरना से निकल करके हमारे हमने जो यज्ञ किया है, इससे एक एक आहुति दे करके आप लोग इसको एक बड़ा अपने चीज का एक रूप बना के ही सब के साथ सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद आदरणीय कैलाश जी। मंच पर आमंत्रित करता हूँ हमारे युवा और विशेष सांसद श्रीमान अजय कंता जी को, आप मंच पर आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। आगे आगे कंता जी बोले, भारत माता की, बोले भारत माता की। आज अपने आप में बड़ा सौभाग्य है कि पवित्र भूमि उत्तराखंड राज्य और हमारे गोरखनाथ बाबा जी की पावन धाम माँ पूर्णागिरी गोजू के धाम है उत्तराखंड, और खासतौर पर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ चंपावत बागेश्वर संसदीय क्षेत्र में हमारे सबके प्रिय नेता जिनके मार्गदर्शन से पूरे उत्तराखंड राज्य का नाम पूरे देश दुनिया के अंदर जाना पहचाना जाता है, वो तो हमारे ग्राम में उपस्थित है। उत्तराखंड देवभूमि की यह जनता, मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग भाई बहन सब आपको नमन करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन भी करते हैं और प्रणाम करते हैं ऐसे योगी आदित्यनाथ जी। भाइयों बहनों, हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार उत्तराखंड राज्य के अंदर, चाहे वो गढ़वाल कुमाऊं मैदान, नेपाल चाइना तिब्बत का सारा बॉर्डर,
हर समस्याओं के समाधान के लिए लगभग 600 से ज्यादा फैसले 6 महीने के अंदर करने के बाद उत्तराखंड की सबसे बड़ी मिथ्या होती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राज्य बनने के बाद दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिनके आशीर्वाद और प्यार से आई और ऐसे नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ निरंतर निरंतर काम करते हुए ऐसे हमारे पुस्तक धामी भाइयों बहनों, क्योंकि आज हमको हम लोग सब सुनने के लिए आए और हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य भी है कि बड़ी शहादत के बाद ये राज्य बना, उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश में रहते हुए उत्तराखंड राज्य बना, बहुत सारे लोग शहीद हुए और आज जिस दिशा को हम लोग जा रहे हैं, जिस दिशा में हम सोच रहे हैं कि मोदी जी के और योगी जी के आशीर्वाद से जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य का विकास हो रहा है, ये गति निरंतर आगे बढ़े और इसी कामना के साथ जो 31 तारीख को हमारा जो चुनाव होना है आदरणीय पुष्कर धामी जी का, या अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र और चंपावत जो काली कुमाऊं जो कुमाऊं की राजधानी होती थी वहां से ये भूभाग का आज ये मैदानी क्षेत्र है, इसके अंदर चंपावत और पूरा पहाड़ी क्षेत्र भी है। मैं देख रहा हूँ ऐतिहासिक बहुमत के साथ हम इस विधानसभा को उत्तराखंड राज्य के अंदर सबसे बहुमत से आज तक की आजादी के बाद हम जीतेंगे। इन्हीं बातों को करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। धन्यवाद आदरणीय सांसद जी, हम सब के मध्य हमारे प्रदेश के मुखिया और हम सबका जो मार्गदर्शन करते हैं प्रदेश में हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय मनोज कौशिक की उपस्थित है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मंच पर आए और हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन का इस प्रदेश की जनता का आप आशीर्वचन देंगे आदरणीय मनोज कौशिक जी। हमारे मध्य में भारत के एक ऐसे नेता जिनके मार्गदर्शन में, जिनके नेतृत्व में एक ऐसे राज्य को, जिस राज्य के बारे में लोग कहते तो बीमारू राज्य है, कानून व्यवस्था बहुत खराब है, ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में आपने काम संभाला और आज उस राज्य को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में सम्मिलित किया। ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हमारे मध्य में आए हैं। मैं आप सब की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पूज्य योगी जी अपना आशीर्वाद देने के लिए प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के इस चुनावी जनसभा में आए हैं। आप अपना आशीर्वाद तो देने आई हैं, आप पूरे प्रदेश में इस विधानसभा के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में यहाँ की जनता को भी आप आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित करने आए हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जी को आज जो हमारे मध्य में आए हैं, जिनको आज उत्तर प्रदेश का माफिया नाम से भी डरता है, और आज अगर कोई ये कह दे कि अब आप सोच लो बुलडोजर बाबा आने वाले हैं, इतना सुनते ही जिनकी हवा खराब हो जाती है, ऐसे पूज्य बाबा जी को हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। भाइयों बहनों मित्रों, ये चुनाव अभी हमारे विधायक जी कैलाश गैतुड़ी जी, रेखा वर्मा जी, गणेश जोशी जी, जिलाध्यक्ष जी, सांसद जी, हमारे मंत्रीगण आदरणीय रेखा बहन जी, आदरणीय हमारे प्रेम जी, जहां जिनको प्रभारी के तौर पर दिया, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय आदरणीय हमारे बहन दीप्ति जी, मंच पर मंत्री में हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, भाइयों बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव वास्तव में अभी हम लोग इस दिन चंपावत में नॉमिनेशन वाले दिन थे, वहां जो मैंने उत्साह देखा, आप न जाने भाई बहन वहां पर होंगे,
पहला चुनाव इस रूप में हो रहा है। आपका जो हीरा तोड़ जाएगा वो प्रदेश के मुख्यमंत्री का चयन करने वाला है। पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे युवा नेता है, मुख्यमंत्री के रूप में जहां केंद्रीय नेतृत्व ने आपके मध्य में भेजा है आशीर्वाद के लिए, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज जो उत्साह में देख रहा हूं, जो हम करीब 2 किलोमीटर से आ रहे और जिस प्रकार से लोगों में उत्साह था, घर के बाहर खड़े थे, फूलों की वर्षा कर रहे थे, शायद इतना बड़ा उत्साह मैंने कभी नहीं देखा। अभी विधायक जी कह रहे थे इतनी बड़ी जनसभा यहां कभी नहीं हुई, लेकिन ये वास्तव में इस रूप में है कि जो मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी, उनकी जो लोकप्रियता है, जिन्होंने थोड़े समय के अंदर राज्य में एक कीर्तिमान स्थापित किया, हम लोग कभी रिपीट नहीं होते थे। हम लोग जब चुनाव होते थे कहते थे एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, लेकिन ये पहला विषय है जहां उत्तर प्रदेश में सरकार योगी जी के नेतृत्व में रिपीट हुई है, वहां धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में भी हमने पूर्ण सरकार बनाई है। आज इस अवसर पर मैं पूछे योगी आदित्यनाथ जी का आदरणीय सभी आए हुए अपने आगंतुक मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए कि आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को मिलेगा और एक ऐसे अंतर से हम जीत कर जाएंगे जो एक इतिहास बनेगा विधानसभा के अंदर। इसीलिए दल के साथ आप सबको मेरे जोर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी। हम सबके मध्य हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इस प्रदेश के सत्ताधारी हमारे दीदी रेखा वर्मा जी उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मंच पर आए और हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे आदरणीय रेखा जी। एक बार हम सभी लोग दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बंद करके भारत माता की जय बोलेंगे और सभी लोगों के हाथ उठने चाहिए क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 10 बजे है और सब लोग पार्टी के आए हैं, इसलिए दोनों हाथ उठने चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही खुशी का अवसर है, हमारे बीच में बहुत ही लोकप्रिय जन सेवक के रूप में सेवा करने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के नायक की भूमिका निभाने वाले ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी आपके बीच में उपस्थित हैं, आप सबका मार्गदर्शन करेंगे। मैं उनका एक बार जोर से आप सब लोग ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे और ताली की तय जमनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश का नाराज है। हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष श्री दीप चंद पाठक जी, हमारे साथी लोकसभा में आपके सांसद माननीय श्री अजय टट्टा जी, हमारे प्रत्याशी के रूप में आप सबके बहुत प्रिय, हम सबके भाई और बेटे के रूप में काम करने वाले ऐसे हमारे भाई माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के लिए एक बार जोर से ताली बजाइए, पूरे उत्तराखंड में आवाज जानी चाहिए। हमारे बीच में ही उपस्थित इस विधानसभा के हमारे विधायक, हमारे छोटे भाई श्री कैलाश गैतोड़ी जी, हमारे बीच में मंत्री के रूप में माननीय श्री चंद्रनाथ दास जी, हमारी मंत्री के रूप में बहन श्रीमती रेखा आर्या जी, हमारे मंत्री के रूप में भाई श्री गणेश जोशी जी, मंत्री के रूप में ही भाई हमारे श्री गणेश प्रेम अग्रवाल जी, हमारी बहन महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती दीप्ति रावत जी, हमारे बीच में ही उपस्थित हमारे विधानसभा प्रभारी श्री कैलाश शर्मा जी, श्री विपिन वर्मा जी, श्रीमती किरण देवी जी, श्री दीपक अग्रवाल जी, श्री रामचंद जोशी जी, श्रीमती रेवा जोशी जी, सुभाष बैंगलोर जी, शंकर दत्त पांडे जी, ज्योति राय जी, शिवराज सिंह कठायर जी, हरीश चंद हरसे जी, विकास चौधरी जी और हमारे बहुत ही करवट हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी, क्योंकि इसमें नाम नहीं लिखा था इसलिए मैंने भूल गई बोलना, एक बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष के लिए जोरदार ताली बजाइए। और यहाँ पे उपस्थित हमारे मीडिया के भाई बंधु और दूर दराज से आई हुई जनता जनार्दन, सभी का इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं ज्यादा विषयों को न लिख के
क्योंकि बाहर भी हमारे जो कर्मठ हैं, जो उत्तर प्रदेश को विकास की गति दी है जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाया है, ऐसे हमारे वक्ता के रूप में हमारा मार्गदर्शन करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे उपस्थित है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ आपसे अपील करना चाहती हूँ कि भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने जो योजनाएं जनता के लिए चलाई हैं, वो केवल जनता के लिए चलाई ही नहीं, उनको धरातल पर ले जाने का कार्य भी किया है और उसकी समीक्षा भी की गई है। और जब मैं इस उत्तराखंड का भ्रमण कर रही थी चंपावत विधानसभा का, तो मैं एक गांव में पहुंच गई और गांव में मैंने महिलाओं से जानने की कोशिश की, तो एक परिवार ऐसा था जिसमें 12 योजनाओं का लाभ हमारी सरकार के द्वारा दिया गया था। ऐसी योजनाएं चला के हमारी जनता को लाभान्वित किया गया है। आज मैं आप सबके लिए बीच में उपस्थित हुई हूँ क्योंकि हमें एक अपील करनी है। हमारे पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ से प्रत्याशी हैं और वो खाली प्रत्याशी ही नहीं, आपके सीएम के रूप में 6 महीने आपके बीच में कार्य किया है और उनके कार्य से जनता इतना प्रभावित है कि जहाँ भी आप पहुँच जाओ उनको भाई और बेटे के रूप में स्वीकार करके वो हमारे साथ निकल पड़ते हैं। ऐसी श्रद्धा भाव मैंने जनता के बीच में पुष्कर सिंह धामी जी के लिए देखी है। मैं आप सबसे अनुरोध करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ कि 21 तारीख को मतदान है, आप सब लोग अपना मतदान करें ही करें, लेकिन साथ में प्रयास करें कि 10-12 घर हमको निकाल के उनका मतदान कराना है, जिससे हमारे मतदान का प्रतिशत बढ़े और पुष्कर सिंह धामी यहाँ से भारी मतों से विजयी हो। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि एक बार दोनों हाथ उठा के हमारे दोनों मुख्यमंत्रियों को आशीर्वाद दें कि ये नई ऊंचाइयों को छुए और बुलंदियों को पे अपना जो कार्य है वो करें। एक बार जोर से ताली बजा के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आनंद दीदी जी, हम सबके मध्य मां पूर्णागिरी के आशीर्वाद से जो हमें विधायक प्रत्याशी के रूप में यहाँ विधायक प्रत्याशी के रूप में हम सबके मध्य हैं, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय भाई हमारे पुष्कर सिंह धामी जी उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मंच बनाए और हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे, एक बार जय घोष लगाएंगे, योगी धामी जिंदाबाद, योगी धामी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हम सबके बीच में अभी हम सब लोग उनका अभिनंदन सुनेंगे। इस देवभूमि पे जिन्होंने जन्म लिया और आज पूरे भारत को एक नई दिशा देने का काम जिनके माध्यम से हो रहा है, मां भारती के सच्चे सपूत सनातन संस्कृति के संरक्षक ओजस्वी वक्ता, धर्म व देश के लिए लगातार उसकी उन्नति के लिए काम करने वाले, जिनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं का गुंडों का राज हुआ करता था, आज वह उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से मां पूर्णागिरी के धाम उनके श्री चरणों में पहुंचने पर मैं आप सबकी तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान अभी जिनको आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे बगल से ही यहां से लोकसभा की सांसद और हमारे प्रदेश की सह प्रभारी के नाते और इस पूरे चुनाव में और पिछले आम चुनाव में लगातार जिन्होंने पिछले 1.5-2 वर्षों से यहां काम किया है, ऐसी आदरणीय रेखा वर्मा जी,
भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई नीलचंद पाटिल जी और जिनको आपने इस विधानसभा में 2017 में भी जिताया था और 2022 में भी आपने अपना आशीर्वाद, अपना मत और अपना समर्थन देकर विधानसभा का सदस्य बनाया और उन्हीं के कारण से आज मैं आप सबके बीच में एक प्रत्याशी के रूप में आप सबकी सेवा के लिए यहां पहुंचा हूं। आदरणीय कैलाश चंद गहतोड़ी जी, हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अजय खट्टा जी, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, आदरणीय चंदन रामदास जी, आदरणीय रेखा आर्य जी और हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर संगठन और सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई रही है, ऐसे आदरणीय मदन कौशिक जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री श्रीमती किरण देवी जी, मंच का संचालन करने वाले भाई दीपक रजवार जी, आदरणीय रामदत्त जोशी जी, आदरणीय हेमा जोशी जी, सुभाष भगोरी जी, शंकर दत्त पांडे जी, ज्योति राय जी, श्री शिवराज सिंह कठायत जी, हरीश चंद हैसियत जी और यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन श्री विपिन वर्मा जी, मुकेश कलकुरिया जी समेत हमारे प्रदीप भट्ट जी और तमाम आए हुए हमारे सभी नेतागण, सामने बैठे हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण, हमारे आदरणीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और दूर दूर से आज आदरणीय योगी जी को सुनने के लिए और उनसे मिलने के लिए आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं आप सबका इस सभा में आने पर आप सबका अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और एक बार मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजाकर सारे लोग आदरणीय योगी जी का दोनों हाथों से कर्तव्य ध्वनि से ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। आज मैं यहां क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र में यहां मां पूर्णागिरी का धाम है, मां शारदा का तट है और बगल में ही आदरणीय महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का स्थान भी है और उनका चंपावत क्षेत्र का संबंध सतयुग से है, उनकी जगाई धुनि आज भी हम सभी लोगों को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित कर रही है। भाइयों बहनों, मैं अभिभूत हूं आज महाराज जी के यहां आगमन पर। आप जब पिछले दिनों 3 दिन के प्रवास पर उत्तराखंड आए थे तो होता क्या है कि अक्सर हम लोग निवेदन करते हैं कि आप एक दिन यहां आ जाइए और हर कोई चाहता है कि योगी जी उनके क्षेत्रों में पहुंचे। मैं भी प्रत्याशी हूं, मेरे मन में भी इच्छा थी, लेकिन मैं क्योंकि वो अंतर्यामी भी है, उन्होंने स्वयं ही मुझसे कहा कि मैं एक दिन गोरखनाथ जी के वहां आना चाहता हूं, एक दिन मैं चंपावत आना चाहता हूं। और मैं बताऊं, आप तो चुनाव के लिए आए, अगली बार वो बनबसा और महायोगी गोरखनाथ जी की भूमि पर भी उन्होंने आने का वायदा किया है। भाइयों बहनों, आप आज क्योंकि आपने जन्म यहां लिया और कर्म स्थान आपका संपूर्ण भारत बन गया और कहते हैं कि अनंत तक इसकी कोई सीमा नहीं है, वहां तक महाराज जी की सोच है। और पिछले दिनों चुनाव से पहले मैं जब लखनऊ गया था तो आप सबको पता है
यही बगल में हमारे यहाँ पर शारदा नहर का हेडवर्क्स फंड, शारदा नहर बरेली का ऑफिस भी सब डिवीजन बनबसा में चलता है। इसका मेन ऑफिस बरेली में मैं आपके पास पहुंचा था। चुनाव से पहले मैंने कहा महाराज जी 21 सालों से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का ये बंटवारे का विषय हल नहीं हो पा रहा है, आपस में तमाम मामले उलझे हुए हैं और इस बार चुनाव भी आ गया है और चुनाव से पहले मैं यहां आ गया हूं, अखबारों में भी छप गया है कि मैं आपसे मिलने के लिए लखनऊ आ गया हूं। महाराज जी ने बिल्कुल भी कोई मुंह से कोई शब्द नहीं निकाला, केवल इशारा किया मुझे हाथ से और उसके बाद मीटिंग हुई। भाइयों बहनों, उसका नतीजा आप सबके सामने है कि जो 21 सालों से हमारी सारी परिसंपत्तियों का जो विवाद लटका हुआ था, उलझा हुआ था, उसको 15 से 20 मिनट की मीटिंग में आपने एक झटके से जो है उसका सोल्यूशन कर दिया, उसको सुलझा दिया। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और दूसरी बात क्या है कि मां शारदा का तट यहां पर है, यहां के जितनी भी सड़कें हैं, यहां का बड़ा हेडवर्क्स का एक सब डिवीजन जो बनबसा में है, वो सारा का सारा अभी जब तक बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक वो उत्तर प्रदेश के अधिकार क्षेत्र से संचालित होता है। मैंने आपके सामने तब भी कहा कि इस क्षेत्र के लिए महाराज जी यहां की सड़कें और यहां की काफी जो ये यहां के घर इत्यादि है, मकान है, तो आपने सारे के सारों का मुझे आश्वासन दिया। आपने कहा कि जल्दी ही हम बंटकर बनबसा में इस सारे मामले को सुलझा देंगे। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज हमारे देश के राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आशीर्वाद पाकर और आप सबकी शुभकामनाओं से मुझे फिर से देवभूमि की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड का सांस्कृतिक और सर्वांगीण विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। हम अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करते हुए उत्तराखंड को आधुनिकता के साथ आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आप देखिए देश के अंदर आज मोदी जी के नेतृत्व में जैसे धारा 370 देश के अंदर समाप्त हुई, क्योंकि हम उत्तराखंड के लोग हैं और उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना के अंदर काम करता है। भाइयों बहनों, अगर हम कश्मीर की बात करें, जिस कश्मीर के अंदर दो विधान, दो संविधान और दो निशान चलते थे, उसको एक झटके में समाप्त करने का काम, पूरे देश के अंदर कश्मीर को एक समान बनाने का काम किसी ने किया तो भारत माँ के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया। बीते कई सालों से लगातार देश के अंदर तुष्टिकरण का काम चलता था और हम सब लोग जिन रामलला के बारे में ये चंपावत की भूमि, ये टनकपुर की भूमि, ये बनबसा की भूमि, यहां से भी जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ था तो बड़ी संख्या में लोगों ने कार सेवा की थी और राम मंदिर के आंदोलन में भाग लिया था। उस समय आरणी महाराज जी के गुरु जी महंत अमरनाथ जी के नेतृत्व में भी बड़ा आंदोलन वहां पर अयोध्या के अंदर चला था और हम सब लोग ये कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और मैं बताऊं आपको, पिछले साल जब मैं अयोध्या गया था और उससे पहले मैं 1999 में अयोध्या गया था जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था, उस समय मैंने देखा था कि भगवान राम लला टेंट के अंदर विराजमान है, टेंट लगा हुआ है और उसके नीचे राम लला है। और लंबा कालखंड बीत गया ये देखते देखते कि कब राम लला की उस जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनेगा, भव्य निर्माण का काम पूरा होगा। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आज वहां पर भव्य रामलला का मंदिर बनने जा रहा है और वो भव्य रामलला का मंदिर केवल एक हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा अध्यात्म और धर्म का केंद्र बनने जा रहा है। इसी के साथ साथ मैं बनारस गया था, मैंने बनारस में भी देखा कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में
इस भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाने के लिए तंग गली हुआ करती थी। इतनी तंग गली होती थी कि वहां पर कुछ लोगों का निकलना भी मुश्किल होता था, और कोई अगर शिव भक्त कोई बाबा विश्वनाथ को अगर गंगा जी का जल लाकर अर्पित करना चाहता था तो उसको रास्ता नहीं मिलता था। लेकिन इस बार मैं 14 दिसंबर को जब मैं बनारस गया था तो मुझे भी ये सौभाग्य कि मैं गंगा जी से जल लाकर भगवान विश्वनाथ जी को अर्पित कर पाया, महादेव जी को अर्पित कर पाया, तो उसके पीछे हमारे मोदी जी और योगी जी का वहां पर जो भव्य निर्माण हुआ है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों कार्य माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के अंदर पढ़ा हूं, इसलिए भली भांति में जानता था वहां पर किस प्रकार का शासन होता था, किस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति होती थी। आज सारी की सारी वहां पर एक तरीके से सीधे सीधे जैसे आप लोग कह रहे थे अभी बुलडोजर बाबा के नाम से पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि जहां पर भी कोई गड़बड़ी होती है वहां बुलडोजर चलेगा, और हमने कहा है महाराज जी आप वहां बुलडोजर चलाएंगे उसका असर उत्तराखंड में भी होगा। और इसकी हमने एक शुरुआत कर दी है। भाइयों बहनों, चुनाव से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और निर्देशन में चलने वाले पूरे चुनाव अभियान में अपना प्रचंड मत और समर्थन और आशीर्वाद देकर यहां पर 2/3 बहुमत की सरकार आपने बना दी। एक मिथक उत्तराखंड के अंदर तोड़ने का काम आप लोगों ने किया है। यहां पर पहले एक पार्टी की सरकार एक चुनाव में होती थी, दूसरे चुनाव में दूसरी पार्टी की सरकार होती थी। इस बार पहली बार हुआ कि लगातार 2/3 बहुमत की सरकार उत्तराखंड के अंदर बनी। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के आम चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने एक बात रखी थी कि हमारी नई सरकार बनेगी। नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड की देवभूमि है, ये हमारा दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है, गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, सारे धाम यहाँ है, सारे देवी देवताओं का स्थान यहाँ पर है, प्रत्येक घर से कोई न कोई सेना के अंदर है। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उत्तराखंड से लगी हुई है। उत्तराखंड के अंदर रहने वाले चाहे किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी संप्रदाय के हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, समान नागरिक संहिता की बात हमने की थी। और मुझे खुशी है कि आप सब लोगों ने प्रचंड बहुमत और समर्थन दिया। हमारी सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इस बात का निर्णय किया कि हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लाएंगे और उसके लिए कमेटी बनाएंगे। भाइयों बहनों, कल ही हमने 5 सदस्य जो है रंजना देसाई सेवानिवृत्त न्यायाधीश उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी है। वो कमेटी सभी हितधारकों से बात करेगी और सभी हितधारकों से बात करने के बाद एक ड्राफ्ट बनाएगी, उस ड्राफ्ट को उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड के अंदर लागू करेगी। भाइयों बहनों, समान नागरिक संहिता इस कानून की बात पूरे देश के अंदर लंबे समय से उठती रही है, उसकी शुरुआत हमने यहां से कर दी है। भाइयों बहनों, मेरे पास बोलने के लिए बहुत है लेकिन आज हम सब लोग आदरणीय योगी जी को सुनना चाहते हैं, और मैं बहुत ज्यादा देर तक अब योगी जी और आपके बीच में ज्यादा देर तक नहीं रहूंगा। मैं आपसे केवल इतना निवेदन करने आया हूं, ये मां पूर्णागिरी की भूमि है, ये मां शारदा की भूमि है, ये बाबा गोरखनाथ का स्थान है, ये मां हिंगला देवी का स्थान है, ये गोलजू बाबा का स्थान है, ये हमारा रणपोती मैया का स्थान है, ये हमारा मां बहराई का स्थान है, ये हमारा बाबा बयानपुरा का स्थान है, ये घटोत्कच की भूमि है। इस पूरे चंपावत विधानसभा में इतने सारे देवी देवताओं के स्थान है, और मैं समझता हूँ कि जो भी घटनाक्रम हुआ उसके बाद आदरणीय कैलाश जी ने जिस प्रकार से मुझे यहाँ से चुनाव में आने के लिए जिस प्रकार की एक हट पकड़ ली थी, और मेरा भी मन था क्योंकि मैं बचपन से माँ पूर्णागिरी आता रहा हूँ, इसी शारदा मैया के किनारे, महाराज जी की शारदा मैया के बारे में मैं गंगा जी के कार्यक्रम में उल्लेख कर रहा था, ये वही शारदा मैया है जिसके बारे में एक और कार्यक्रम में मेरे महाराज जी को बताया था वहां हरिद्वार में कि दिन में 12 बजे जब स्कूल से आने के बाद जब प्राइमरी पाठशाला में हम पढ़ते थे पूरे दिन भर माँ शारदा में गोता लगाते थे, आधा घंटे पानी के अंदर रहते थे, उसके बाद फिर बाहर आते थे,
बाहर आने के बाद रेत कोर्ट में उलट पुलट होने के बाद आधा घंटा जब गर्म हो जाता था फिर से शारदा मैया में गोता लगाते थे। ऐसा एक बार भी निरंतरता से कम 5 घंटे प्रत्येक दिन करता था पूरे साथियों के साथ। 5 घंटे तक मैं बहुत कठिन नहीं हूं, बहुत जानते थे जाओ ना, बहुत कठिन जानते थे जाओ ना, वो को जानता थोड़ा हाथ उठा दिया एक बार सब जानता तो रत्न व्याकुल जो है केवल और केवल यह जो शारदा जी में महल बहुत काट काट कर मैं खुद हो रही हूं तो शारदा महल में यहां बुलाया तो आप सब लोग उनकी सेवा करते हैं कि ना यहां का अवसर में मिल रही मां पूर्णागिरी मैया का आशीर्वाद है, आप सब लोग उनका आशीर्वाद है। और मैं पक्का था कि मैं जाने गई हूं पूरा चुनाव में आज उठे मैं 9 तारीख में लिया नामांकन करी और नामांकन बाद लगभग मैं 7-8 दिन लगातार मैं क्षेत्र में रही हूं और मैं लेकिन सब जाग मैं पूनम कि चुनाव में हम सब लोग तम जीतू मरिया तो मैं आज तमन से यू कह रही हूं कि तुम सब जीतू बचा लेकिन आज उठे यू कौन से कि अब जीतन न मरिया अब जीतून कि ना अमिल 31 तारीख सबुल ने वोट हरिम कि ना जान सर और जो दुई नंबर में था तम लोग फूल अब तो था ना सबुल अब नंबर पर कौन से नंबर में है 2 नंबर में तो सवेरे से लेके शाम तक सवेरे 7 बजे मतदान हो जाएगा। एक अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि आप सब लोग कह रहे हैं महाराज जी सब कह रहे हैं जीत रहे हैं मैं इनसे कह रहा हूं कि अभी जीतेंगे तब जब आप सब लोग जाएंगे नहीं तो एक बाबा जी ने एक बार एक भंडारा किया और उन्होंने कहा कि सब लोग अपने अपने घर से एक लोटे में दूध लेके आना और उस दूध से जो है भंडारे का प्रसाद बनेगा खीर बनेगी। और क्या हुआ एक ने सोचा मन में विचार आया कि अरे सब तो दूध लेके जाने वाले हैं और मैं पानी लेके चला जाता हूं। एक के मन में नहीं आया ये विचार सबके मन में आ गया और जब जो है उसका ढक्कन खोला गया महाराज जी ने कहा कि जो है बाबा जी ने कि ये खीर बनाने के लिए दूध लाओ। जब ढक्कन खोला गया तो देखा तो उसमें पानी निकला। इसलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि आप लोग सोचोगे कि अरे भाई सब तो वोट देने जा ही रहे धामी जी इस बार जीत ही रहे तो पता लगा कि सभी लोग घर में रह गए और वोटिंग प्रतिशत ही बहुत कम हो गई। ये 2 तारीख ये 31 मई का जो दिन है ये दिन हमारे पूरे विधानसभा के लिए ये एक उत्सव का दिन होना चाहिए और प्रातःकाल 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक वोटिंग होगी। तो आप लोग कमल के फूल वाला बटन इतना दबा दीजिए कि दबाते शाम होने तक वो बटन ही हमारा अंदर चला जाए। और 3 तारीख को जिस दिन मतगणना हो उस दिन जब वो बक्सा खुले ईवीएम मशीन खुले तो ईवीएम मशीन में से कमल की लड़िया कमल की झड़िया ही झड़िया निकले। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करने के लिए आप सबके बीच में आया हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड भारत माता की। अब परम सौभाग्यशाली है कि माँ पूर्णागिरी की कृपा से आदरणीय महाराज जी के श्रीचरण हमारे स्तर पवित्र नगर पनपुर में पड़े हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय महाराज जी को आप मंच पर आए और हम सभी को आशीर्वचन दें। योगी धोनी जिंदाबाद योगी धोनी जिंदाबाद भारत माता की। भारत माता की माँ अन्नपूर्णागिरी की माँ शारदे जी की गोलजू महाराज की बाबा गोरखनाथ की मंच पर उपस्थित
उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और चंपावत विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड के सहप्रभारी लोकप्रिय सांसद श्रीमती रेखा वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री मदन कौशिक जी, इस क्षेत्र के निवर्तमान विधायक माननीय श्री कैलाश गौतोड़ी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री दीपचंद पाठक जी, लोकप्रिय सांसद श्री अजय कमता जी, उत्तराखंड सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण श्री चंदन रामदास जी, श्रीमती रेखा आर्य जी, श्री गणेश जोशी जी, श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, विधानसभा के प्रभारी श्री कैलाश शर्मा जी, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती दीप्ति रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, नगर पालिका टनकपुर के अध्यक्ष श्री विपिन वर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती ज्योति राय जी, सभी पूर्व पदाधिकारीगण और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित चंपावत विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड चुनाव के दौरान मुझे उत्तराखंड के अंदर कुछ सभाओं में आना था, लेकिन अचानक खटीमा का कार्यक्रम मेरा स्थगित करवा करके टिहरी, कोटद्वार और अन्य स्थानों के कार्यक्रम लगा दिए गए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रुद्रपुर में कार्यक्रम होने के कारण उस समय चाहते हुए भी मैं खटीमा का दौरा नहीं कर पाया था और मुझे इस बात का उस समय हार्दिक खेद था कि अगर हम लोग उस समय एक साथ खटीमा में गए होते तो खटीमा की तस्वीर कुछ और हो गई होती। लेकिन भाइयों बहनों, मैं उत्तराखंड के सभी मतदाता भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, श्री पुष्कर सिंह धामी जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने विश्वास करते हुए दो तिहाई बहुमत से फिर से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के रूप में श्री पुष्कर सिंह धामी जी का अभिषेक होने के साथ ही ये चंपावत का सौभाग्य है कि आज केवल एक जनप्रतिनिधि का नहीं, एक मुख्यमंत्री का चुनाव करने का एक अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, चंपावत जनपद की स्थापना 1997 में हुई थी, ये 25 वर्ष आज आपके पूरे होने जा रहे हैं और 25 वर्षों की इस यात्रा में जो सपने चंपावत ने देखे थे, विकास के सपने, रोजगार के सपने, इस क्षेत्र के तीर्थों के विकास की, पर्यटन के विकास की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के सपने, मुझे लगता है मां पूर्णागिरी
आपके आशीर्वाद से वे सपने सब साकार होने जा रहे हैं। जब चंपावत में प्रत्याशी के रूप में स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके बीच में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आए हैं, मैं अभिनंदन करूंगा श्री कैलाश गहतोड़ी जी का, जिन्होंने विकास के लिए स्वतः आगे आकर के श्री पुष्कर सिंह धामी जी को आमंत्रित किया और मैंने कहा कि मैं चंपावत से आपको आमंत्रित करता हूं कि आप यहां से आइए, उपचुनाव लड़िए और आपके साथ ही विकास की एक नई धारा चंपावत के अंदर बहेगी। और आज भाइयों बहनों, मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी आपके बीच में टनकपुर में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 25 वर्षों की यात्रा, उत्तराखंड जब 25 वर्ष की अपनी यात्रा पूरी करेगा, उसे यादगार बनाने के लिए चंपावत के पास बहुत कुछ होगा। और भाइयों बहनों, इसलिए कभी भी याद रखना, जब अवसर मिले तो उस अवसर से कभी चूकना नहीं चाहिए। और यही अवसर आपके पास है कि चंपावत को विकास की नई ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए अपने युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री के साथ जुड़ करके उन्हें रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। भाइयों बहनों, चंपावत का अपना पौराणिक इतिहास है। कहते हैं कि भगवान विष्णु का कुंभ अवतार इसी क्षेत्र में हुआ था। इस क्षेत्र में गुरु नानक देव जी ने अपना एक विशेष लगाव रखा था और इस क्षेत्र के प्रति युग कृष्णा संत स्वामी विवेकानंद की विशेष दृष्टि इस क्षेत्र में थी। और अगर ये देवभूमि नहीं तो फिर कैसे मां पूर्णागिरी का धाम यहां पर है, गोलोजी महाराज का धाम यहां पर है, बाबा गोरखनाथ का धाम यहां पर है और न जाने कितने ऐसे धाम मां सरस्वती के रूप में मां शारदा की कृपा यहां पे साथ साथ बरसती भी दिखाई देती है। आप सब सौभाग्यशाली हैं इस देवभूमि में जन्म लेकर के आप सबको यहां के माध्यम से देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं कि जब उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड से बाहर निकलता है तो देश के लिए उपयोगी बनता है, देश जवान यहां की सुरक्षा करता है। जब मां शारदा का पानी जाता है तो यहां से होकर के उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों को अपने मीठे पानी से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा करके न केवल वहां के किसानों को समृद्ध करता है बल्कि अन्नदाता किसानों को समृद्ध भी करता है और साथ ही साथ देश का पेट भरने का काम भी करता है। यही तो उत्तराखंड की विशेषता है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड एक नई ऊंचाइयों को, विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे इसी महीने 3 दिन के लिए उत्तराखंड के प्रवास का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आप सब जानते हैं मेरा जन्म भी उत्तराखंड में ही हुआ है और कई वर्षों के बाद मुझे अपनी जन्मभूमि में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और 3 दिन का प्रवास मेरा बहुत अच्छा रहा। कितना रोचक था, कितना अच्छा था विकास की ऊंचाइयों को। जब मैं यहां बचपन में मैंने अपनी स्कूली शिक्षा उत्तराखंड में पढ़ी थी तब सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं थी और जब मैं कई वर्षों के बाद उत्तराखंड के उन गांवों में गया वहां मुझे सड़क मिली, बिजली मिली, पानी मिला, स्वास्थ्य की सुविधा मिली,
विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ उत्तराखंड नए भारत का एक नया उत्तराखंड के रूप में स्थापित हो रहा है और इस समय तो पर्यटन की जिन नई संभावनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा उत्तराखंड में पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री धामी जी ने बाबा केदारनाथ के पावन धाम को राष्ट्र को समर्पित किया। कितना भव्य आयोजन था। कोई सोचता था उच्च हिमालय में इतनी ऊंचाइयों पर आदि शंकराचार्य की प्रतिमा की स्थापना होगी? वह धाम जो 2013 में पूरी तरह प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गया था, कोई सोचता था कितने वर्षों के बाद उत्तराखंड का केदारनाथ धाम फिर से एक नई काया और नए कलेवर के रूप में श्रद्धालु जनों की सुविधा और उनकी आध्यात्मिक विकासा को फिर से शांत कर पाएगा? लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और मैं धन्यवाद दूंगा श्री पुष्कर सिंह धामी जी को कि आज बाबा केदारनाथ के धाम में जो भी श्रद्धालु जा रहा है वह संतुष्ट होकर के आता है। लाखों श्रद्धालुओं ने अब तक वहां की यात्रा कर ली है। बद्रीनारायण का दर्शन करने के लिए जो भी जा रहा है अभिभूत होकर के आ रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री का दर्शन करने के लिए पूरा देश उमड़ रहा है और उत्तराखंड तो पर्यटन का एक नया हब बन रहा है। धार्मिक पर्यटन भी है तो जब धार्मिक पर्यटन 6 महीने के बाद बंद होता है तो उस समय नैनीताल, रानीखेत और बागेश्वर के तीर्थ अपने आप को सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कितना समन्वय है। कभी उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा प्रारंभ होती है और कभी इस क्षेत्र के नैनीताल है, रानीखेत है, बागेश्वर है, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के चंपावत के इन क्षेत्रों में पर्यटक आकर के प्रकृति के सौंदर्य को निहारता हुआ देख करके अभिभूत होता है और इसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर के तो स्वामी विवेकानंद भी यहां आए थे, गुरु नानक देव भी यहां आए थे और भगवान को भी यहां पर अवतार देने के लिए आना पड़ा था। भगवान विष्णु को कुर्म अवतार के रूप में यहां पर स्वयं अवतार देने के लिए आना पड़ा था। और आज भाइयों बहनों हम सब आपके बीच में आए हैं। कोई संदेह नहीं था किसी को भी किसी पुष्कर सिंह धामी जी चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के बाद बहुत भारी बहुमत से विजयी बन के बनेंगे, इसमें किसी को देश के अंदर संदेह नहीं। लेकिन भाइयों बहनों याद रखना जब तक सफलता हमारे हाथों में ना जाए तब तक हमारा प्रयास अनवरत बना रहना चाहिए और वही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। अपील यही कि हमें चुनाव जीतना भारी बहुमत के साथ ऐतिहासिक मतों के साथ यहां पर चुनाव जीत करके भेजने की आवश्यकता है जिससे आप विकास और इस क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं के प्रति स्वतः स्फूर्त भाव के साथ आप में अपने आप में एक निश्चिंतता आ जाए। और मुख्यमंत्री बनने का मतलब क्या होता है आज मैं आपको बता सकता हूं। अगर आप गोरखपुर जाएंगे, गोरखपुर के विकास को पिछले 5 वर्षों के अंदर 5 साल पहले गोरखपुर गया होगा, आज जो गोरखपुर जाएगा तो पहचान नहीं पाएगा कि विकास क्या होता है, कैसे विकास होता है। यानी स्वतः विकास की संभावनाएं बनती भी दिखाई देती है और विकास की उन संभावनाओं के साथ जोड़ने के लिए आज चंपावत जब 25 वर्ष की अपनी यात्रा को पूरा कर रहा है। याद करिए चंपावत जनपद 1997 में बना था और 1997 में बनने के बाद आज 25 वर्ष की अपनी यात्रा पूरा किया है तो 25 वर्ष के बाद ये सौभाग्य आपके पास सामने आ रहा है कि विकास के साथ जुड़ने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री आपके पास आए हैं। आपने तो सुना होगा कि प्यासा कुएं के पास आता है लेकिन भाइयों बहनों पहली बार कुआं प्यासे के पास आ रहा है विकास की प्यासा को दूर करने के लिए और विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ना अपने आप में सौभाग्य की बात है। नित नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे,
धार्मिक पर्यटन विकसित होगा, इको टूरिज्म विकसित होगा, विकास की नई नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य होगा। और अब तो पर्यटन की संभावनाओं के साथ उत्तराखंड ने भी तय किया है कि हमें विकास करना है, और यही तो कारण है कि 5 वर्ष की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तराखंड में देखने के बाद उत्तराखंड की जनता जनार्दन ने 5 वर्ष की इस एक नई यात्रा के लिए भारतीय जनता पार्टी को फिर से जनादेश देकर के प्रचंड बहुमत के साथ आज आपके पास भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर आपकी सेवा के लिए यहां पर खड़ी है। एक नई टीम के साथ, एक नए उत्साह के साथ आज उत्तराखंड में श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार काम करना प्रारंभ कर चुकी है। और भाइयों बहनों, यह विश्वास हर उत्तराखंडवासी के मन में होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने विकास की जिन्हें कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, आज रेल की नई नई योजनाओं के साथ बन रहा है, यहां पर कार्य प्रारंभ हुआ है, रोपवे, हाईवे और तमाम अन्य समस्याओं के समाधान के लिए। चुनाव के ठीक पहले, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले धामी जी आए थे लखनऊ में। धामी जी ने कहा कि लखनऊ में मैंने पढ़ाई की, मैंने कहा मैंने भी उत्तराखंड में पढ़ाई की है। और उन्होंने कहा हमारे यहां उत्तराखंड की समस्याओं का समाधान हो जाता, मैंने कहा हम समस्याओं को चर्चा ही नहीं करते, हम तो समाधान पे चर्चा करते हैं, आप हमें समाधान का रास्ता बता दीजिए और उत्तर प्रदेश से इन सभी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कोई भेद नहीं मानते, कोई भेद नहीं मानते। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये दोनों विकास की यात्रा में मिलकर के आगे बढ़ेंगे, एक साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। और ये मान करके चलिए अब ये कोई समस्या नहीं है, हमें मिलकर के समस्या का समाधान करना है। और मैं धन्यवाद दूंगा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार ने मिलकर के आज जिस सकारात्मक राह को आगे बढ़ाया है, आज उसके सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। मैं हरिद्वार में गया था 5 मई को, धामी जी भी आए थे, हम दोनों ने मिलकर के वहां पर अलकनंदा होटल का विवाद चल रहा था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में, 21 वर्षों से विवाद चल रहा था। हमने कहा अलकनंदा होटल उत्तराखंड ले ले और उत्तर प्रदेश के लिए भागीरथी के नाम पर एक नया हमने पर्यटन आवास गृह बनाकर वहां तैयार कर दिया। विवाद का समाधान इस रूप में, और उत्तराखंड के लिए आज अलकनंदा के रूप में एक नया पर्यटन होटल वहां पर उपलब्ध हो गया है। ऐसे भाइयों बहनों अनेक संभावनाएं यहां पर, हम लोग यहां पर अभी आप भारी बहुमत से धामी जी को चुनाव जिता करके भेजिए। और मैंने कहा है वनवसा की समस्या का समाधान भी हम लोग यहीं आकर के करेंगे। एक बार धामी जी आए हैं, अगली बार जब आपके विधायक के रूप में आपके मुख्यमंत्री यहां पर कार्य करेंगे तो वनवसा की समस्या का समाधान करने के लिए मैं स्वयं ही आपके बीच में यहां पर उपस्थित रहूंगा। मां पूर्णागिरी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, मैं बाबा गोरखनाथ का अनुयायी हूं, उनके दर्शन करने का, उनके धाम का दर्शन करने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त होगा। उत्तराखंड के आप सभी भाइयों बहनों से मिलने का भी अवसर मुझे प्राप्त होगा। और आज के इस अवसर पर मैं आप सबका यही आह्वान करूंगा कि भाइयों बहनों, उत्तराखंड को एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। ये लड़ाई विकास की है, हमें विकास की इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाना है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आपके युवा मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं वो अद्भुत है, अभिनंदनीय है। हर उत्तराखंडवासी को जुड़ करके इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहिए, इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है, और विकास के साथ जुड़ करके ही हम उत्तराखंड में अधिक से अधिक नौजवानों को रोजगार और नौकरी उपलब्ध करा पाएंगे, देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे, टूरिज्म के नए नए डेस्टिनेशन यहां पर स्थापित कर पाएंगे,
विकास की उन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ा पाएंगे जिसकी आज पिछले 21 वर्षों से उत्तराखंड के अंदर थी और जिसके बारे में उत्तराखंड का हर व्यक्ति चाहता था कि काश हम भी इस विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़े होते तो हमारा युवा क्यों यहां से प्लान करता। मैं मानता हूं जितनी संभावनाएं उत्तराखंड में है, मैंने देखा है पिछले 5 वर्षों में विकास के कार्य जिस मजबूती के साथ हुए हैं वे एक नए उत्तराखंड की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। सब कुछ तो है आपके पास, सब कुछ आपके पास है, बस नेतृत्व आपके पास वैसा चाहिए था और आपने विगत 5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कार्य होते हुए देखा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में धानी जी की कार्य पद्धति को नजदीक से महसूस किया है, अपनी सहजता, अपनी सरलता और कार्य करने की अपनी एक नवीन पद्धति के कारण आज उन्होंने उत्तराखंड की जनता के दिलों में राज किया है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भाइयों बहनों, उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंच करके उत्तराखंड की सभी यहां की जनता जनार्दन की जनभावनाओं के अनुरूप विकास का एक मॉडल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल होगा और उसका सौभाग्य भी चंपावत वासियों को प्राप्त होने वाला है। क्योंकि उत्तराखंड विकास करेगा तो श्रेय तो चंपावत को प्राप्त होगा, क्योंकि चंपावत आज एक विधायक के साथ साथ एक मुख्यमंत्री का भी चुनाव करने जा रहा है। पहली बार हो रहा होगा 25 वर्षों की आपकी स्थापना काल से जब इस जनपद में कोई मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने के लिए आपके बीच में आया है और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे लगता है गहतोड़ी जी ने बहुत दूर की सोची कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता अपनी आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी के हित के लिए। उन्होंने तात्कालिक रूप से कहा कि नहीं, आवश्यकता पड़ेगी तो मैं अपने विधायक पद को छोड़ करके यहां पर स्वयं पुष्कर सिंह धामी जी को आमंत्रित करूंगा और मैं उनका अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने ये कार्य किया। और भाइयों बहनों, आप सभी का भी मैं अभिनंदन करूंगा कि आज जिस इस भीषण गर्मी में भी आप यहां पर एकत्र हुए थी भारी संख्या में, हजारों की संख्या में। मैंने पूछा यहां पर कि कनकपुर और उसके आसपास की आबादी कितने यहां पर, किसने यहां पर आबादी होगी, मुझे बताया गया कि 25 से 30 हजार की आबादी, जितनी आबादी है उससे ज्यादा आपकी संख्या यहां पर उपस्थित हुई है। ये चीजें दिखाई देती हैं कि आप सबने संकल्प लिया है उत्तराखंड के विकास का नेतृत्व अब चंपावत करता हुआ दिखाई देगा, चंपावत करेगा। हमने रोड शो में भी देखा है और इस जनसभा के माध्यम से भी हम सबको देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, जब नेतृत्व यशस्वी होता है, कैसे बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान होता हुआ दिखाई देता है। आज आपने देखा होगा अयोध्या के लिए राम मंदिर की चर्चा कर रहे थे धामी जी, और भाइयों बहनों लोग तमाम प्रकार की बातें करते थे, अयोध्या में राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, लोग इसके बारे में तमाम प्रकार की चर्चाएं करते थे। लेकिन आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमों से प्रारंभ हो चुका है। भव्य राम मंदिर का काम कोई विवाद अब नहीं है, ये विवाद तो कांग्रेसी लोग छोड़ करके जाते हैं। हम विवाद नहीं, हम कोई समस्या नहीं मानते, हम लोग तो समाधान पर विश्वास करते हैं और समाधान वही जो जनभावनाओं के अनुरूप हो, लोक भावनाओं के अनुरूप हो, राष्ट्र भावनाओं के अनुरूप हो। और उसी समाधान की दिशा में अयोध्या में राम मंदिर के विवाद का पटाक्षेप हो चुका है और अब भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अयोध्या में युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। और यही नहीं भाइयों बहनों, काशी में भी आपने काशी विश्वनाथ धाम के बारे में सुना होगा, कितना भव्य काशी विश्वनाथ धाम बन चुका है। 1,00,000 श्रद्धालु प्रतिदिन वर्तमान में काशी आ रहा है और जिस काशी विश्वनाथ मंदिर में पहले 20 श्रद्धालु एक साथ जाने में भी उनके लिए सामने समस्या होती थी, आज 1,00,000 श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम के अंदर एकत्र हो सकते हैं और बाबा विश्वनाथ का दर्शन एक साथ कर सकते हैं। ये परिवर्तन मथुरा,
संवर रही है, मथुरा वृंदावन संवर रही है। भगवान कृष्ण का धाम एक नई ऊर्जा के साथ आज श्रद्धालुजनों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर चार धाम और पर्यटन की असीम संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है, विकास की योजनाओं को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, लोक कल्याण की योजनाओं को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, हम सबका दायित्व बनता है कि सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के हम सब मिलकर के आगे बढ़े और आज उसका हम सहभागी भी बने। और यह चंपावत वासियों का सौभाग्य है कि चंपावत उत्तराखंड को नेतृत्व देने के लिए ये सौभाग्य आज आपको प्राप्त हो रहा है कि आपको मुख्यमंत्री के चुनाव के साथ ही पूरे उत्तराखंड का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से अपील करूंगा कि पुष्कर सिंह धामी जी को 31 मई को होने वाले चुनाव में भारी बहुमत से कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करता हूं। आप सभी सहमत हैं? मेरे साथ दोनों हाथ लगा के बोलेंगे, सभी लोग सहमत हैं? धामी जी भारी बहुमत से विजयी बनेंगे ना? चुनाव के दिन पहले मतदान फिर जनपान, ये संकल्प होना चाहिए। पहले मतदान। सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ लगा के मेरे साथ बोलेंगे, माता पूर्णागिरी की, माता पूर्णागिरी की, बाबा गोरखनाथ की, बाबा गोरखनाथ की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी मोदी जिंदाबाद। योगी।